एपिसोड 109 अस्थियां। मेघना ने कहा, आरव कम से कम 6 महीने तक अपनी पूरी फैमिली से लड़ता रहा और आखिर में उसने अपनी फैमिली को मना लिया। पिछले साल ठंड में आरव ने दीवा विधि की अस्थियों को कपूर फैमिली के गार्डन में दफनाया, जबकि विधि की अस्थियों को दफनाते हुए बहुत से लोग नहीं आए थे, फिर भी आरव ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी। कपूर फैमिली के बड़े बूढ़े भी वहाँ मौजूद थे। अपनी बात पूरी करते हुए मेघना ने न्यूज़पेपर में छपी हुई फोटो पर अपनी उंगली रखी। दीवा विधि की अस्थियों को चुपचाप दफनाया गया था और उस सेरेमनी में मीडिया और एंटरटेनमेंट के लोगों को दूर रखा गया था। अगर मैं किसी को इनविटेशन के लिए नहीं भेजती तो मैं इस फोटो को कभी पब्लिश नहीं करवा पाती और दीवा विधि के फैंस को कभी पता नहीं चलता कि उनकी आइडल की अस्थियां कहां पर दफनाई गई हैं। विधि हैरान हो गई और अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन लेकर मेघना को देखने लगी। लेकिन आरव ने इस बात को सीक्रेट क्यों रखा? मेघना अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोली, कपूर फैमिली नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी क्लास की लड़की की अस्थियां उनके गार्डन में दफनाई जाए। हालांकि कपूर फैमिली आरव के दबाव में आ गई और तो और आरव, मेघना की हंसी में कड़वाहट और बढ़ गई। तुमने देखा है दीवा विधि के फैंस की इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है? इस बार लोगों को पता चल गया कि दीवा विधि किसी के साथ सोई है तो लोग अपने आप आरव कपूर को स्पॉटलाइट में ले आएंगे। हालांकि आरव अपने विधि के रिलेशनशिप के बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, वरना दीवा विधि अपने जिंदा होने पर भी इस रिलेशनशिप को लोगों से नहीं छुपाती। और जहां तक मैं जानती हूँ, आरव कपूर ने दीवा विधि को लोगों के सामने उनके रिलेशनशिप को लाने से रोका होगा। अगर लोगों को पता चल जाता कि दीवा विधि की अस्थियों को कपूर फैमिली के गार्डन में दफनाया गया है तो आरव कपूर पर लोग उंगलियां उठाने लग जाते। आरव जैसे प्राइवेट आदमी लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। मेघना आगे बोलने से पहले कुछ पलों के लिए रुकी। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि दीवा विधि अपने रिलेशनशिप को लोगों के सामने लाना चाहती थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं हमेशा से अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती थी। कौन नहीं चाहता कि उनके रिलेशनशिप के बारे में लोग ना जानते हो? विधि ने अपने आप से कहा। काश मैं तुम्हें अपनी सच्चाई के बारे में बता पाती मेघना। अनफॉर्चुनेटली मेरा रिलेशनशिप पब्लिक होने से पहले ही बर्बाद हो गया। कुछ दिनों पहले कपूर फैमिली के गार्डन में विधि की अस्थियों की जगह पर एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के चारों तरफ जालियां थी जिस पर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था, दीवा विधिज रेस्टिंग ग्राउंड। आरव उस पेड़ के सामने ब्लैक कलर का सूट पहने खड़ा हुआ था। उसके साथ चेतन मेहता था जिसके चेहरे पर किसी तरह की होप नजर नहीं आ रही थी। चेतन ने बॉडीगार्ड के हाथ से सफेद गुलाब का गुलदस्ता लिया और आरव को पकड़ा दिया। आरव ने गुलदस्ता पकड़ा और अपनी भारी आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। चेतन अपने साथ वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर पीछे चला गया जिससे कि आरव वहाँ अकेला हो सके। आरव ने अपने पैरों को नीचे झुकाकर अपने हाथ से गुलदस्ते को उस पेड़ के पास रख दिया। उस गुलदस्ते में टोटल 44 फूल थे जो कि उसके और विधि के अधूरे प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गुलदस्ते को जमीन पर रखते ही बारिश पड़ने की वजह से गुलाब के फूलों की पत्तियां इधर उधर जमीन पर बिखरने लगी। विधि, आरव ने जमीन की मिट्टी को अपने हाथ में ले लिया और भारी आवाज में बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पूरे गार्डन में शांति थी और सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। आरव के चेहरे पर अफसोस दिख रहा था। वो उस अफसोस के साथ आगे बोला, सब मेरी गलती थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जब तक तुम जिंदा थी मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दिखा पाया। अगर मैंने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया होता तो तुम मैत्री को कभी जहर नहीं देती और सहगल फैमिली तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें स्टेज से धक्का। विधि, मैंने सहगल फैमिली से बदला ले लिया है, खूनी पकड़ा जा चुका और उसको कोर्ट से सजा मिल जाएगी। और तो और सहगल फैमिली का बिजनेस मैंने बंद करवा दिया है, अब वो अपने बिजनेस को 7 जन्मों तक बड़ा नहीं बना पाएंगे। लेकिन विधि, इन सब का कुछ मतलब नहीं क्योंकि तुम अब मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। काश तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, काश तुम मुझे एक बार फिर से मुस्कुरा कर देख सको। आरव की आवाज आगे बोलते हुए अटक गई और उसने बोलना बंद कर दिया। जमीन की ठंडी मिट्टी ने आरव की हड्डियों को अंदर से ठंडा कर दिया था। वो जगह की मिट्टी को अपने हाथ में दबाए बैठा था। काफी देर बाद वो उसके जमीन पर लगे पेड़ से बोला, तुम मेरी बातों को मजाक समझ रही होगी। आरव पहले भी विधि को अपने
पास रखने की पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन उन कोशिशों से कुछ नहीं हुआ। उसको आज भी गुस्सा, दर्द, हैरानी और डर याद था, जो कि उसने विधि की आंखों में तब देखा था जब वो उसको अपने जेल में बंद कर रहा था। आरव ने सोचा था कि अगर वो विधि को ऐसे टॉर्चर करेगा और उसको किसी पालतू जानवर की तरह रखेगा तो वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आरव को लगा कि ऐसा करने से विधि को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाएगा और फिर चाहे आरव उसके साथ कुछ भी करता रहे, विधि हमेशा उसके साथ ही रहेगी। हालांकि वो गलत था, बहुत गलत। विधि ने उसके टॉर्चर को पूरे एक साल तक झेला और फिर वो आरव को पीछे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने पहले सोचा था कि अगर मैं तुमको पा नहीं सकता तो तुम्हें, आरव की आवाज और भारी हो गई, बर्बाद कर दूं। फिर भी आरव अपने आप को बढ़ावा देने के लिए हंसा। जब तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई तब मुझे महसूस हुआ कि विधि, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, एक बहुत बड़ा हिस्सा। विधि की अस्थियों से बात करते हुए आरव की आंखें नम हो गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद मुझे एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जिसमें पूरी दुनिया से तुम्हारे फैंस आए हुए थे। सब लोग चाहते थे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊं, लेकिन मैं उनके सामने ज्यादा नहीं बोल पाया। तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कहीं मैंने कुछ ज्यादा बोला तो मैं अपना आपा खो दूंगा और सबके सामने रो दूंगा। मुझे लोगों के प्यार से डर लग रहा था। विधि, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती थी। मुझे भी डर था तुम्हें खोने का। बारिश जोर से होने लगी और आरव ऊपर से नीचे तक पूरा गीला हो गया। गार्डन में बने एक शैक के नीचे कुछ बॉडीगार्ड खड़े होकर आरव को देख रहे थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड परेशान होकर पूछने लगा, मिस्टर मेहता, क्या बॉस ठीक है? बारिश तेज होती जा रही है। चेतन ने इस बॉडीगार्ड को अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लाकर देखा। वहां जाने की सोच भी मत लेना, हम यहीं पर उनका वेट करेंगे। इस दुनिया में अगर कोई भी आरव के इमोशंस को अफेक्ट कर सकता था तो वो सिर्फ विधि थी। बेशक वो अब इस दुनिया में नहीं थी। आरव को ऐसे जमीन पर बैठे देख चेतन पहले से ज्यादा समझ चुका था विधि एक अकेली बॉस की बिजनेस और चूक थी। तुम शायद नए आए हो, चेतन बारिश को इग्नोर करता हुआ सिगरेट चलाकर बॉडीगार्ड से बात करने लगा। बॉडीगार्ड ने चेतन की बात का जवाब दिया, हाँ मिस्टर मेहता, ठीक है, मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, चेतन बोला। अगली बार अगर कोई भी बात उस पेड़ पर टंगे हुए साइन बोर्ड के नाम से रिलेटेड हो तो तुम सिर्फ वही करना जो तुमसे बॉस कहे, और वो भी बिना कोई सवाल किए। सुनो, ज्यादा बोलो मत, पूर्ण विराम लगाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद चेतन ने सिगरेट का बड़ा कश लिया और उस शैक की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। बारिश में आरव अभी तक जमीन पर ही बैठा हुआ था। विधि, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आरव की आवाज धीमी और भारी थी, लेकिन वो साफ तरीके से बोल रहा था। क्या तुम्हें ऑलिव याद है, जिस घोड़ी को तुम कुछ सालों पहले से बहुत प्यार करती थी? तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी इच्छा को याद रखते हुए ऑलिव को हॉर्स पैराडाइज राइडिंग क्लब में भेज दिया था और वहां सबको बता दिया कि कोई ऑलिव को राइड न करे। हालांकि तुम्हारी ऑलिव ने किसी और को अपने ऊपर चढ़ने दिया। मुझे इस बात को सुनकर गुस्सा आ गया, वो तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? बेशक तुम यहाँ पर नहीं हो, लेकिन फिर भी धोखा एक्सपेक्टेबल नहीं है। मैंने उसकी टांगे तोड़ दी है। असलियत में मैं उसे जान से मारना चाहता था। जिस जानवर ने तुम्हें धोखा दिया है वो जानवर जीने के लायक नहीं है। हालांकि अब तुम यहाँ नहीं हो और वो घोड़ी कभी तुम्हारी हुआ करती थी। उसको मारने से मैं तुम्हारी एक और चीज को खो देता, इसीलिए मैंने उसको मारा नहीं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, वो अब भाग नहीं सकती और जब तक वो बूढ़ी होकर मर नहीं जाती तब तक मैं उसका ख्याल रखता रहूंगा। ना जाए तुम्हें धोखा देने वाले लोग इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। ऐसी एक और है।